श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 26 जून दिन सोमवार, सोमवार की अष्टमी का शुभ संयोग बन रहा है। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपके दिल की कोई भी कामना है, कोई भी आप बाबा से मांगना चाहते हैं, विशेष कोई कामना है जिसे आप अति शीघ्र पूरा करना चाहते हैं, तो सोमवार की अष्टमी का शुभ संयोग बन रहा है। मात्र पीले चंदन के साथ आपको एक ओम बना देना है और आपकी जो कामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। बहुत ही सरल सा उपाय है। शुभ संयोग बन रहा है सोमवार की अष्टमी का, तो केवल मात्र एक बार ही इस उपाय को पूरी श्रद्धा भावना के साथ कर देंगे तो आपकी जो कामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। सरल सा उपाय है, उपाय कैसे करना है अच्छे से समझिएगा और इसका अवश्य लाभ उठाइएगा। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 26 जून दिन सोमवार, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल को भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है इस उपाय के लिए? आपने लेना है एक तो पीला चंदन, हमने लेना है। चंदन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, सफेद चंदन होता है, लाल चंदन होता है, पीला चंदन होता है। हमें चाहिए पीला चंदन। अगर आपको पाउडर के रूप में मिल जाए तो उसकी आपको छोटी सी डिब्बी मिल जाएगी, वो ले लीजिए। एक आपने लेना है लाल चंदन। इन दोनों चंदन को लेकर आपने जाना है भोले बाबा के मंदिर में। चाहे आप सुबह स्नान आदि करके सुंदर साफ वस्त्र पहनकर आपने भोले बाबा के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जो लाल चंदन है उसे एक कटोरी के अंदर डालिए, थोड़ा सा जल मिलाइए, उसका एक घोल की तरह, लेपन की तरह तैयार करके अपने हाथों के साथ आपने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपने जो है लाल चंदन का ऐसे लेपन कर देना है। जब लेप करेंगे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम, जो भी मंत्र आपको आता है, जो भी आप जाप करना चाहते हैं उसका जाप आपने निरंतर करते रहना है। बाबा से अपने दिल की विशेष कामना जो है वो कहनी है। इस लेपन को करने के बाद आपने फिर लेना है पीला चंदन, थोड़ा सा अपने हाथ पर ही चाहे आप डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाइए, घोल तैयार करके अपनी अनामिका उंगली, जो आपकी जो है सबसे छोटी उंगली है उसके साथ वाली जो उंगली है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसके साथ आपने क्या करना है, जो लाल चंदन का लेपन हमने किया है उसी के ऊपर अपनी कामना कहते हुए आपने बना देना है ओम पीले चंदन के साथ। जी हाँ, पहले लाल चंदन का लेपन करना है, उसके बाद पीले चंदन के साथ अपनी कामना कहते हुए ओम का निर्माण जो है वो शिवलिंग के ऊपर कर देना है। हाथ जोड़कर भोले बाबा से प्रार्थना करिए। थोड़ी देर के लिए मंदिर में अवश्य बैठकर आइए। सोमवार की अष्टमी का शुभ संयोग है। इस दिन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के मिलन का दिन होता है। वर्ष में कई कई बार ही ये शुभ संयोग बनता है, ज्यादा नहीं बनता, तो अवश्य इस शुभ संयोग का लाभ उठाइए। मंदिर में सुबह के समय चाहे शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को अवश्य पूरी श्रद्धा भावना के साथ करके आएंगे तो मात्र एक महीने में या तीन महीने के अंदर अंदर आपकी जो कामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। तो सरल सा उपाय है, अवश्य उपाय को करें और इसका लाभ हासिल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।